है भक्ति मार्ग वाली आत्मा है जो साकार को ज्यादा महत्व देती है। साकार बना प्यार देने वाला, उसका कृष्ण भगवान निराकार का कोई अटैचमेंट तो होता नहीं, और साकार का अटैचमेंट होता है। वही बाबा कृष्ण भगवान का नाम डालने वाले इधर में थे, पर इधर भक्ति मार्ग में तो देखा तो इधर में ही निराकार को मानते हैं और साकार को भारतवासी मानते हैं, ऐसा अदल बदल कैसे हो? निराकार को मानते तो है लेकिन निराकार का अर्थ गलत कर देते हैं। वो निराकार का अर्थ क्या समझते हैं? एक बिंदु, बिंदु को समझते हैं। वो ये थोड़े समझते हैं वो बिंदु भी साकार में आकर के निराकारी स्टेज वाली बनती है। नहीं समझ। हाँ जी, पर ऐसा भक्ति मार्ग में तो ज्यादा से विदर में क्रिश्चियन मुस्लिम सभी धर्म वाले निराकार को ही मानते हैं। निराकार का अर्थ ही वो गलत समझते हैं, निराकार का सही अर्थ उनको पता ही नहीं है। निराकार का सही अर्थ है शरीर में प्रवेश करके भी निराकारी स्टेज में रहे, माने अटैचमेंट की स्टेज में न रहे, देहभान की स्टेज में न रहे, शरीर में है लेकिन शरीर में होते हुए भी डिटैच रहे। डिटैच होना माने निराकारी। एक तो आत्मा है यहां तक भान फैला हुआ है, ये दबाया तो यहाँ बुद्धि जा रही है ना, उंगली किसी ने काटी तो बुद्धि यहाँ जा रही है ना, माने आत्मा यहाँ तक फैली हुई है, आत्मा की शक्ति सारे शरीर में बिखरी हुई है। एक ऐसी भी स्टेज आती है आत्मा की कि शरीर को कोई मारे काटे पीटे उनको कोई असर नहीं होगा, जैसे शंकराचार्य के लिए आया हुआ है, शंकराचार्य ने अपना शरीर त्याग करके गुफा में बंद कर दिया और खुद प्रवेश करके कार्य किया। मुरली में भी बोला हुआ, अव्यक्तवाणी में भी बोला हुआ है, ब्रह्मा की तरह तुम बच्चे भी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे, ऐसी स्टेज बन जाए। इस शरीर के भान से आत्मा एकदम अलग ज्योति बिंदु बन जाए। जैसे कि धर्म पिता है ऊपर से जब आए थे, चाहे क्राइस्ट के रूप में आए, चाहे बुद्ध के रूप में आए, चाहे गुरु नानक के रूप में आए, तो उनका चेहरा देखने से ही क्या लगता है कि उनका देह में भान दिखाई पड़ता था या आत्मा उड़ी उड़ी ऊपर थी, डिटेक्ट थी, निराकारी स्टेज में थी। वो आत्मा इतनी डिटेच होती है कि जब क्राइस्ट को फांसी लगी तो उस आत्मा को कोई दुख नहीं हुआ। जो देहधारी होता है उसको दुख होता है। देहधारी कौन सी थी आत्मा उसमें? क्राइस्ट का जो आधार मूर्त था वो देहधारी था, देहधारी आत्मा थी साकारी स्टेज वाली, और जो प्रवेश करने वाली आत्मा थी वो निराकारी स्टेज वाली थी। फांसी लगी वो फट से निकल गई, उसने जाके दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तो ऐसी निराकारी स्टेज प्रैक्टिकल में, इम्प्रैक्टिकल की बात नहीं कि बिंदु, वो तो भगवान को साकार मानते ही नहीं विधर्मी लोग, उनकी बुद्धि में ही नहीं आता कि भगवान शरीर में प्रवेश करके साकारी बन सकता है। हाँ जी, अव्यक्त मिलन मना क्या? अव्यक्त मिलन का मतलब यह है कि आत्मा ऐसी स्टेज को पकड़ ले कि जब चाहे तब इतनी गहरी अनुभूति में चली जाए कि जैसे हमको साकार में मेल हो रहा है। जैसे व्यक्त में होते हैं, देहभान में होते हैं तो खींच होती है बाबा हमें साकार में मिले, साकार में नहीं मिलता है तो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन जो अव्यक्त स्टेज होगी उसको आंसू बहाने की स्टेज नहीं होगी, वो तो प्रसन्नता में रहेगा, हल्कापन में रहेगा।
बाबा आज के क्लास में है ये प्रश्न अधूरे रह गया। हाँ जी, हाँ जी। विकृति आज कब से स्टार्ट हुआ है? विकृति कब से स्टार्ट हुआ? विकृति शुरुआत कहाँ से होती है? जो कृति है, कृति माने रचना, विकृति माना विपरीत रचना। आत्मा की तो रचना रची नहीं जाती है, आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है ही है। वो आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है वो शरीरधारी की शरीर की विकृति होती है। पुरुष और प्रकृति इन दोनों में जड़त्वमयी कौन है और चैतन्य कौन है? चैतन्य आत्मा, आत्मा माना पुरुष, पुरुष और वो जिसमें प्रवेश करता है जिसका आधार लेता है वो है प्रकृति। वहीं से विकृति शुरू होती है। कब से? आज से। ये भी कि आज में स्थापना के साथ साथ विनाश द्वारा प्रज्वलित हुई, स्थापना के साथ साथ यज्ञ की आदि में ही स्थापना हुई ना। जैसे ही प्रजापिता के द्वारा ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन दिया गया उसके साथ ही विकृति भी शुरू हो गई। दो माताएं थी, एक माता सुना उसने साक्षात्कारों का अर्थ और बाबा को भी सुनाया, बाबा की समझ में आ गया, फिर भी जिसने सुनाया उसकी समझ में नहीं आया तो वो पुरुष हुआ और वो प्रकृति हुई। पुरुष कौन हुआ? प्रजापिता हुआ पुरुष। माता जो गीता माता कही गई वो हुई प्रकृति। प्रकृति जड़त्वमयी होती, जड़त्वमयी होने की वजह से वो जल्दी बात को ग्रहण नहीं कर सकती। योग बल से प्रकृति भी चेंज की जा सकती है, ज्ञान सुना करके नहीं। सत्ययुग और त्रेता में सब कुछ भरपूर होता है। हाँ, नंबर बात। मगर ये आठवा नारायण क्यों कर्जा लेता है? ये एकदम सीधा सीधा नहीं होता है। आठवां जो नारायण है वो आत्मा है कोई ब्राह्मणों की यज्ञ की जो संक्षेत्र से पहले देखी जाती होगी कि हवाई जहाज में घूमने का सुख ले रही है। आठवां नारायण हाँ जी, जो असली मनन चिंतन मंथन है ज्ञान का वो नहीं करती। जो बाबा की मुरली के महावाक्य है उन मुरली के महावाक्यों पर गहराई में जाना, मनन चिंतन मंथन करना, अमृत निकालना, गीता ज्ञान अमृत पीना और दूसरों को पिलाना, ब्राह्मणों का मुख्य काम क्या है? पीना पिलाना। ब्राह्मणों का मुख्य काम ही है ज्ञान लेना और देना और दूसरों को ज्ञान देना। तो वो कार्य नहीं किया, हवाई जहाज में चक्कर लगा रहे। वो ये बात अभी का है, फाउंडेशन पड़ा, रिहर्सल होती है। स्थूल रतन मिलते हैं, यहाँ के ज्ञान रतन और वहाँ के स्थूल रतन बन जाते हैं। यहाँ जो जितना ज्ञानी होगा संगम युग में वो उतना जन्म जन्मांतर का साहूकार बनेगा। वो तो ठीक है बाबा, वो आवश्यकता क्या है, दरकार क्या होता है लोन लेने का? अभी संगम युग में सच्चे में कोई कमी नहीं होता। संगम युग में अभी देख नहीं, वहाँ भी तो एक्सचेंज तो करते हैं ना राज्य चलाने के लिए। एक्सचेंज नहीं करेंगे चलेगा कैसे? यहाँ नो वहाँ नोट नहीं बनाए जाते, बार्टर सिस्टम है। कुछ लेना कुछ लेना ऐसे चलता रहता है। जगदीश भाई इंस्पिरेटिंग पार्टी में आता है या नहीं? अब तो सभी छोड़ गया ना, इंस्पिरेटिंग पार्टी में काम करेगा ना, लेकिन वो बीच नहीं बनता, वो 9 लाख में नहीं आएगा ना। अरे 9 लाख में वो जन्म लेने वाला बनेगा, नारायण बनेगा या 9 लाख में वो
नवलाख में आ जाएगा, लेने वाला जो नारायण बनेगा वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आएगा। जो नारायण वाली आत्मा होती है, जो भी नारायण बनता है वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आता है या पहले से आता है? ऊपर से नीचे आएगा। तो जो ऊपर से नीचे आएगा वो तो सत्व प्रधान आत्मा होगी उस समय की, भले नीचे कैटेगरी की हो। 16 कला संपन्न होने के लिए, हाँ 16 कला है ये ब्रह्मा, 16 कला अभी तक नहीं है, हो हाँ, गया है हाँ, किस कला कमी हो गया है उनका? कला कोई अलग अलग नहीं होती है, जैसे चंद्रमा है कलाहीन है तो अंधेरा है सारा, कुछ कला बढ़ी तो लीक बची, और बढ़ी तो 8 कला आधा चंद्रमा हुआ, पूरा हो गया 16 कला सब पूरा हो गया, मतलब रोशनी है आत्मा की, मेजरमेंट है आत्मा की शक्ति का 16 कला संपूर्ण। अलग अलग कला है, नहीं ऐसे नहीं कि नृत्य कला है, संगीत कला है, सद्गुरुवार और इतवार हाँ जी कुछ स्पेशलिटी है क्या? हाँ ये ग्रहों के नाम दिए हुए हैं। नहीं नहीं, शुक्राचार्य के नाम पर शुक्रवार नाम पड़ गया, वो मान गया हाँ। वो बीके वाला सद्गुरुवार को और इतवार को सम स्पेशलिटी करके हाँ, भोग लगाता है हाँ। यही यहाँ भी होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो कभी देखा भी नहीं, भोग लगा दिया जाता है क्या कभी? भोग लगाना है नहीं नहीं, मगर स्पेशल बनाना, स्पेशल दिन कहा जाना, तो कोई बनाते हैं तो कुछ न कुछ भक्ति मार्ग के संस्कार चल रहे हैं, नहीं यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं है? मगर वो शूटिंग बीजुपत में भी चलता है ना बाबा? कोई कोई आत्मा होती होंगी जो भक्ति मार्ग की होंगी तो शूटिंग करेंगी, जो असल सूर्यवंशी होंगे वो तो एक सेकंड में जला दिए भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। ऐसे थोड़े कि सूर्यवंशी जो आत्मा है वो वास्तुकला को बैठ करके मानेंगी, फिर जो मुरली में बात बोली वो सच्ची, बाकी मनुष्यों ने जो कुछ बोला अगर वो ज्ञान के आधार पर कार्यकारी कार्य कारण का विश्लेषण करते हुए वो बात साबित नहीं होती है तो उसको अब नहीं मानना चाहिए। अंत में 84 जन्म का परिचय सभी आत्माओं का मालूम पड़ता है, मतलब 4.5 लाख को 84 परिचय मालूम पड़ेगा, 4.5 लाखों को 84 जन्मों का मालूम पड़ता है, साथ साथ जो प्रवेश करने वाली है 4.5 लाख अच्छा उनको भी मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ता है माना कितने टाइम लगता है वो मालूम पड़ने का, 1 मिनट और 10 मिनट और 2 घंटे सबका टाइम अलग अलग होगा ना, जैसे प्रजापति वाली उसका ड्यूरेशन लंबा होगा, तब तक का लंबा होगा जब तक कि 4.5 लाख की भी बुद्धि में ना आ जाए, वो अपना वेरिफिकेशन भी तो लेंगी, लास्ट वाली आत्मा है किससे लेगी कि हमारा इस तरह जन्म साबित हो रहा है ये सही है या रंग है, वो किससे वेरिफिकेशन लेंगी बाबा? वो सभी आत्माओं के लिए या सिर्फ 4.5 लाख के लिए? क्या वो मालूम पड़ना सभी को मालूम पड़ेगा, नंबर बार पूछा जिनके 83 जन होंगे उनको भी मालूम पड़ेगा, माना 500 करोड़ आत्माओं के लिए भी क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? आत्मा पाठधारी है या नहीं है? है जो आत्मा एक जन्म पाठ बजाती है वो पाठधारी नहीं है, है तो पाठधारी को अगर अपने पाठ का पता न चले तो बेवकूफ आत्मा हुई ना, बाप तो सबको सद्बुद्धि बना के ले जाएगा, बुद्धि की सदुपयोग ले जाएगा कि ऐसे ही ले जाएगा? अभी तो कंप्यूटर निकल पड़ा है कि इतनी चिंता करते हैं, कंप्यूटर तो सारा हिसाब निकाल करके सब बता देता है। बाबा मन और दिल में फर्क क्या है? मन और दिल तो एक ही बात, पर दिल इधर होता है, शरीर में होता है,
मन का कनेक्शन जो है वो यहाँ नीचे से ही है, बुद्धि ऊपर है, तीसरा नेत्र है ऊपर। पशु पक्षी प्राणियों में भी आत्मा होती है लेकिन उनमें मन और बुद्धि नहीं होता है। हाँ जी, मन बुद्धि होती है, होती है लेकिन जैसे हाथी है तो हाथी तो बहुत समझदार होता है, तो ऐसे तो नहीं कि उसमें मन नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, होती है लेकिन नंबर वाले। बाबा हाँ जी, शंकर अमरनाथ बनता है शिव को याद करने के बाद, शिव को याद करने से वो अमरनाथ बनता है ना? हाँ जी। ब्रह्मा भी शिव को याद किया मगर शरीर छोड़ दिया, तो ये फर्क कैसा हो गया? बताया था मेरे से तुम बच्चे ज्यादा याद में तीखे जाएंगे। मेरे से ब्रह्मा की है मुख से जो मुरली में बोला गया ना कि मेरे से तुम बच्चे याद में योग में तीखे चले जाएंगे, ये मुरली में बोला ना, किसने बोला? ब्रह्मा ने बोला। क्यों बोला? इसलिए बोला कि उनको तो 300-400 की परवरिश का टंटा लगा हुआ था। क्या मतलब? वजन अपने ऊपर रखे हुए थे कि मैं परवरिश कर रहा हूँ, देवहन था। अरे यहाँ ऐसा कोई देवहन नहीं। क्या यहाँ देव परवरिश करने वाला मैं हूँ? मैं परवरिश करने में अपनी परवरिश नहीं कर पाया, अपनी परवरिश करने के लिए कहीं मुसलमानों के घर में चक्कर काटने पड़े, कहीं क्रिश्चियंस के घर में चक्कर काटने पड़े, तो जो अपनी परवरिश अपने आप नहीं कर पाया वो सैकड़ों की हजारों की परवरिश कहां से कर लेगा? और बाबा बोलते भी है सारा भजन मेरे को दे दो। है ब्रह्मा नहीं दिया? तो देवान होगा तो देर तो समझेगा ना, हमें ये वजन है हमारे ऊपर। बाबा प्रजापिता कैसे पहला वैश्य और पहला शूद्र बनता है? हाँ जी, थोड़ा विस्तार में बताएं। क्यों, इसमें क्या बात होगी? पहला शूद्र माना कैसा? पहला शूद्र माना द्वापर युग से जब पतन शुरू होता है तो पहला भिखारी कौन बनता है? विचारी नहीं लेकिन भिखारी कौन बनता है? विचारी माने कामी कुत्ता, वो एक अलग बात हुई अनेकों के साथ, लेकिन विकारी विकृत इंद्रियों से सुख भोगने वाला। अंग्रेजों की कथाओं में और मुसलमानों की कथाओं में भी एक कथा आती है एडम ईव, आदम हुआ की, कि उनको अल्लाह ताला ने मना किया था एप्पल खाने, हाँ, कि बाड़ी के बाड़ी का ये फल नहीं खाना, और उन्होंने खा लिया। बहुत समय की बात भूल गए, उसी समय से नरक में आ गए और वैश्य बन गए। है उसका भी मतलब यही है? हाँ, जब लगातार इस्लामियों के संग के रंग में आएगा और वहां जाकर के उस आत्मा को जन्म लेना पड़ेगा इस्लामियों को राजाई देने के लिए, तो संग का रंग तो लगेगा ना। जब तक इस्लामियों के बीच में जन्म नहीं हुआ है तब तक संघ का रंग नहीं लगेगा, कन्वर्ट ही नहीं हुआ, और जब इस्लामियों के बीच में जाके जन्म ले लिया तो संघ का रंग तो लगेगा ना, विचारी बन जाता है, माने विशेष बन जाता है, वैश्य बन जाता है। पहले बनता है? पहले विशेष? हाँ, पहले वैश्य बनता है, पहले सूत्र थोड़ी बनता है। 33 करोड़ देवताओं का, उनका पात्र इस संगम युग में क्या है? वो 9 लाख में आने वाले नहीं है फिर भी गायब होता है। 33 करोड़ देवताओं का मतलब यह है कि अभी भी इस भारत में ऐसी ऐसी आत्माएं उतर रही है जिनके परिवार में जैसे कि स्वर्ग लगा पड़ा है, परिवार का जो मुखिया है वो ही करता धरता है, उस परिवार के मुखिया की कोई बात टाल नहीं सकता है। जो परंपरा सचिव में थी वो जैसे देखने में आएगी उस घर में,
लेकिन उनका पात्र इस संगम युग में क्या होता है? वो भी क्या है, उनमें कई लोग आत्माएं प्रवेश करते हैं इसे करें, लेकिन वो भी विनाश को पाते हैं अंत में। विनाश तो क्या, साढ़े चार लाख बच्चे ये भी विनाश, साढ़े चार लाख जो संपन्न पुरुषार्थ करेंगे वो विनाश को नहीं पावेंगे। संपन्न पुरुषार्थ नहीं करेंगे आत्म की स्थिति का तो विनाश को पावेंगे। आत्म की स्थिति की बात है ना, जो आत्मा की प्रैक्टिस ज्यादा कर लेगा उसकी आत्मा परिपक्व स्टेज में पहुंच गई तो विनाश होने का सवाल नहीं। तो उनका गायन क्यों, गायन क्यों तो नंबर वन गायन है ना, एक जैसा गायन थोड़े ही है। साढ़े चार आत्माओं का साढ़े चार लाख उसका चार लाख का वो सभी अंत में बाप समान होता है या कुछ कमी रहता है? वो प्रजावर की भी आत्मा होंगी ना उसमें। हाँ, बाप समान। हाँ, प्रजावर की भी होंगी, उनमें दास दासी बनने वाले भी होंगे। हाँ। सब तरह के होंगे ना, बाप तो दास दासी नहीं बनता है, प्रजावर्ग तक रह जाता है। राम के लिए गहने राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, लेकिन किसी का दास दासी बने आधीन बन जाए ये उसके अंदर संस्कार ही नहीं। तो जो आत्मा है दास दासी बन जाती है वो तो निष्कष्ट कोटि की हो गई। बाबा नौ लाख आत्माओं में साढ़े चार लाख ही कंजल का बनने वाले है, लेकिन नौ लाख देवता ये प्रत्यक्ष होते हैं ना अंत में, वो कैसे होता है बाबा? देवता अंत में प्रत्यक्ष होते हैं, नौ लाख सितारे। हाँ बाबा, हाँ जब विनाश होगा तो संसार में नौ लाख सितारे चमकेंगे। मतलब साढ़े चार लाख प्रवेश करने वाले, साढ़े चार लाख जिनमें प्रवेश किया जाएगा वो अपने ब्रह्म मूर्ख क्यों उन्हें दें ये हमने योग से। बाबा दोनों ही अलग अलग है ना? तो अलग अलग है लेकिन वो पता तो लगेगा ना ये कौन सी आत्मा पार्ट में जा रही है, अंतर होगा ना पार्ट में। हाँ जी, वो बोल रहा है। हाँ, वो बिन रहा है। हाँ? वो देह बांध से अलग रहते भी कोई रिलेटिव्स आते हैं उनका उसका उनका प्रॉब्लम बोलता है फाइनेंशियल और हेल्थ लाइक इनसे कैसा छुटकारा पाना है? अटैच होकर के उनको बताओ, डिस्प्ले होकर के बताओ, अटैचमेंट में ना आना चाहिए। और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का चिंता इनको होता है, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करना, छोड़ देना। हम जो चिंता करें, उनका अपना बांधा हुआ हिसाब किताब, वो अपना हिसाब किताब बांधा उसके, उस हिसाब किताब के चक्कर में हम अपनी आत्मा को क्यों डालें? रास्ता बताना है तो सच्चाई का रास्ता बता दे। यहाँ तो जिन्होंने सरेंडर कर दिया वो भी लौकिकता को ही छोड़ दे। अभी आपने बताया कि ममा ने ही पार्ट बजाते है, देहबान से निकल कर ममा जैसी आत्मा ये पार्ट बजाते है, देहबान से निकल कर पार्ट बजाती है। आपने बताया देहबान से निकल करके पार्ट बजाती है, क्या पार्ट बजाती है? हो करके वो भी पार्ट बजाएंगे। लेकिन वो संपूर्ण निर्विकार है क्या? है नहीं, बजाएंगी अभी नहीं है लेकिन भविष्य में बजाएंगे। हाँ। हाँ।